तो दोस्तों, इस वक्त आप जो पीछे देख रहे हैं, ये एरिया है हमारे हरिद्वार का फेमस एरिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठंड का कितना माहौल हो रहा है, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा हो रहा है अभी तो फिलहाल जो है। तो कैसे वैसे हैं कोहरा आप का सब, माहौल? और आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल के होने वाले, क्योंकि मैं भी एक व्लॉगिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसे हम इस चैनल पर डालेंगे। कोहरा जो है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और ऐसे में जो है चाय पकौड़े तो बनते हैं, तो उसके बारे में हम आगे सोचेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं तो हेमंत। अंत, और आप मुझे पहली बार इस चैनल में देखेंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि इस चैनल पर मैं एक ब्लॉग की, यानी कि जो व्लॉग्स की सीरीज होती है, उसको स्टार्ट करूँ। उससे पहले यदि आप मेरे ब्लॉग देखेंगे, तो उसके लिए आपको मेरे बारे में जानने की ज़रूरत होगी। आप आगे तो धीरे धीरे मेरे बारे में जानेंगे ही, उससे पहले जो है मैं आपको ये बता दूँ, मेरा नाम हेमंत है और मैं हरिद्वार में रहता हूँ। और हरिद्वार जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, तो इस जगह पर मैं रहता हूँ। और अभी फ़िलहाल वर्तमान में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ठंड बहुत पड़ रही है, पीछे जो है बहुत ज़्यादा मैं ही जहाँ भी कोहरा हो जाता रहा हूँ है। फोटोग्राफी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का मेरे को बहुत शौक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको मैं किसी ऐसी जगह पर सेव करने के लिए, अब क्या होता है कि हमने वीडियो बनाई तो उसको फिर सेव करने के लिए जगह चाहिए होती है, इससे अच्छा क्या होता है कि इतना स्टोरेज कहाँ से आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम यूट्यूब में इसको पब्लिश करें, इससे भाई ठीक हो जाएगा, मतलब परमानेंटली सेव भी रहेगी, तो इससे जो है ये फ़ायदा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को देखें और शेयर और सब्सक्राइब करें। 3 hours later दोस्तों, इस वक्त आप जो पीछे देख रहे हैं, ये एरिया है हमारे हरिद्वार का फेमस एरिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठंड का कितना माहौल हो रहा है, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा हो रहा है अभी तो फिलहाल जो है। वैसे कोहरा कम हो गया है, तो कोहरा जो है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और ऐसे में जो है चाय पकौड़े तो बनते हैं, तो उसके बारे में हम आगे सोचेंगे। कॉन्फिडेंस बाहर नहीं आता जब पहली बार वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाने के लिए पहले क्रिएटिविटी चाहिए, फिर कॉन्फिडेंस चाहिए। व्लॉगिंग में ऐसा कुछ नहीं चाहिए, व्लॉगिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए। कैमरे का सामने आओ, कैमरे के सामने आते ही हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। आप हमारे चैनल को देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कितना खतरनाक प्राणायाम बाबा जी के द्वारा हो रहा है। आसन जो है सामने ही सनराइज होने वाला है कुछ ही देर में, लेकिन यहाँ पर आज पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि बादल से छा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू आता है अगर सनराइज होता तो। जब कुछ ही देर रुकते हैं तो दोस्तों बात करें इस लोकेशन की, इस लोकेशन का नाम है, ये जो है हरिद्वार देहरादून हाईवे है। तो हरिद्वार देहरादून हाईवे के पास एक जो है रिकी पौड़ी से थोड़ा आगे आते हुए जो हरिद्वार का हाईवे है, वहाँ पर एक सर्वानंद घाट है। सर्वानंद घाट से आप एक रोड इधर को आती है जिसे दूधिया बंद के नाम से भी जानते हैं, मैं उसी रोड से थोड़ा किनारे पर हूँ। तो दोस्तों जिस लोकेशन के बारे में मैंने आपसे बात की थी वो यही लोकेशन, यहाँ से जो हरिद्वार देहरादून हाईवे है यहाँ से आप इधर को मुड़ सकते हैं, जो ये नीचे को रोड आ रही है, ये नीचे पुल है, इधर आगे वाला जो पुल है और नीचे से जाने के लिए रास्ता अलग से है, ये हरिद्वार देहरादून वाला पुल है ऊपर इस रोड के किनारे पर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो, और ये दो टापू टाइप के हैं बीच में जिनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि भाई काफ़ी कमाल का व्यू यहाँ से अगर आप कैप्चर कर सकते हैं अगर यहाँ पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं गंगा जी में कितना बहाव है यहाँ पर, आप देखें आगे। तो दोस्तों इस चीज़ को देखा आप, कितना बहाव है यहाँ पर, कितनी तेज़ स्पीड में गंगा जी का जो पानी है वो जा रहा है। यहाँ पर गहरा भी काफ़ी होगा, बहुत ये सीधे हर की पौड़ी के लिए, और ये जो है इधर चंडी पुल साइड सामने चंडी देवी वाला पहाड़ है, इधर मनसा देवी का है, इसके पीछे की तरफ है मनसा देवी, दिख रही है थोड़ी थोड़ी, यहाँ से जूम करके दिखाऊं हल्का सा दिख रहा है कोना सा, इधर भी चंडी देवी होगी और ये गंगा जी है। यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, देख सकते हैं कुछ लोगों ने पंछियों के लिए ये भी डाल रखे हैं। यहाँ पर गेहूँ, आई थिंक शायद गेहूँ ही है, और ये जो है बेंच टाइप के हैं बैठने के लिए लोगों के लिए। सामने भी एक ऐसा ही सेम टापू टाइप का है, और तो कुछ लोग इधर पर नीचे जो है आई थिंक बैडमिंटन खेल रहे हैं। हाँ, ये रेगुलर ही आते हैं लोग, हम लोग यहाँ पर रनिंग करने के लिए आते हैं नॉर्मली, तो आज मैंने कहा चलो, लेकिन सनराइज़ नहीं हो रहा है दोस्तों आज, पता नहीं क्या दिक्कत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल गाँव वाली फीलिंग आ रही है, जैसे गाँव में होता ना सुबह के समय ओस पड़ी रहती है। यहाँ पर एक बाबा जी का आश्रम है नीचे, तो इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे गांव में आ गए हैं,
सेम वैसे ही फीलिंग आ रही है। यहाँ पर तो बाबा जी ने पेड़ भी लगा रखे, क्या बात है, वो भी केले के। इस लोकेशन को देखना आप यार, कितनी कमाल की लोकेशन है, कितना प्राकृतिक नजारा है यहाँ पर।